नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका मुद्दा में। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। आज हम बात करेंगे सपा में बिखराव के पहले विधानसभा और उसके बाद विधान परिषद चुनाव में मिले करारी हार के बाद समाजवादी पार्टी में अब न सिर्फ घमासान मचा है बल्कि अखिलेश यादव के नेतृत्व को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। सवाल दूसरी पार्टियों के विपक्षी नेता नहीं बल्कि खुद समाजवादी पार्टी के कमान संभालने वाले उनके सेनापति ही उठा रहे हैं। ये विरोध प्रयागराज में भी जबरदस्त तरीके से मुखर है और जो कभी समाजवादी पार्टी का गढ़ हुआ करता था विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार और पदाधिकारी रहे नेता अब हाईकमान की नीतियों और फैसलों से नाखुश नजर आ रहे हैं। तमाम लोग इस बारे में खुलकर बोल रहे हैं। इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर ऋचा सिंह ने विधान परिषद चुनाव के नतीजे आने के बाद फेसबुक पर लिखा, जनतंत्र में जय और पराजय उतने महत्वपूर्ण नहीं जितने उससे लिए गए संदेश हो सकते हैं। दरअसल एमएलसी चुनाव सत्ता के चुनाव होते हैं और ऐसे में आपको बता दें कि निर्दलीय प्रत्याशी सत्ता को पराजित कर सकते हैं, तो अन्य विपक्षी दलों द्वारा मजबूती से लड़ भी न पाना क्या आत्ममंथन और मूल्यांकन का विषय नहीं होना चाहिए। प्रयागराज में पार्टी के सबसे अनुभवी और बुजुर्ग नेताओं में से एक विनोद चंद दुबे का कहना है कि लगातार हो रही हार निश्चित तौर पर पार्टी हाईकमान के लिए आत्मचिंतन का विषय होना चाहिए। नीति और निर्णयों में कमी की वजह से ही हार हो रही है। समाजवादी पार्टी या मुलायम के दौर की सपा नहीं रह गई है, कहीं ना कहीं चूक हो रही है, कार्यकर्ता अब कुछ शिथिल हो गए हैं। इसके अलावा दूसरे नेता भी नेतृत्व पर सवाल उठा रहे हैं। सपा में नेतृत्व को लेकर बढ़ रही नाराजगी के बीच समाजवादी पार्टी कार्यालय में सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव और पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव की बैठक हुई है। शिवपाल यादव की नाराजगी और पार्टी में तेज होते आंतरिक कलह के बीच ये बैठक की गई। हालांकि अभी ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि दोनों के बीच किन मुद्दों पर बातचीत हुई है। मालूम हो कि शिवपाल यादव ने अंबेडकर जयंती के मौके पर समान आचार संहिता लागू करने की बात की थी। इतना ही नहीं, वे पहले भी पार्टी में अपनी जगह को लेकर नाराजगी जता चुके हैं। वहीं आजम खान को जेल से छुड़ाने की कोशिश न करने पर भी सपा के कुछ नेताओं में भारी असंतोष है। आपको बता दें कि समान नागरिक संहिता पर प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल ने कहा था कि अब समान नागरिक संहिता लागू करने का सही समय आ गया है। रामपुर से विधायक और सपा के कद्दावर मुस्लिम चेहरा माने जाने वाले मोहम्मद आजम खान के खेमे से भी अखिलेश यादव के खिलाफ बगावती सुर उठने लगे हैं। आजम खान के मीडिया प्रभारी फसाहत अली शानू ने कार्यक्रम में कहा कि पिछले 2.5 साल में अखिलेश यादव ने आजम खान को जेल से छुड़ाने के लिए किसी तरह का कोई प्रयास नहीं किया। वो सिर्फ एक बार मिलने सीतापुर जेल गए, इसीलिए वे आजम खान से कहेंगे कि अब फैसला लेने का वक्त आ गया है। वहीं आजम खान के समर्थन में सपा के बड़े नेता सलमान जावेद राय ने अखिलेश यादव पर मुसलमानों के लिए न बोलने का आरोप लगाते हुए इस्तीफा दे दिया। सलमान जावेद सुल्तानपुर विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी सचिव हैं और सवाल है कि क्या अब सपा में नेताओं की नाराजगी की अहम वजह हार ही है या कुछ और है। सपा में आकर अखिलेश यादव को लेकर इतनी नाराजगी क्यों बढ़ गई है। आजम और शिवपाल जैसे नेता क्यों नया रास्ता तलाश रहे हैं। और चलिए इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर विजय खैरा जी हैं, स्पोक पर्सन है भारतीय जनता पार्टी के। साथ ही हमारे साथ प्रोफेसर भुवन जोशी भास्कर जी हैं, स्पोक पर्सन है सपा के। हमारे साथ अल्पना वाजपेयी जी हैं जो कि लीडर हैं PSPL के। बहुत स्वागत है आप सभी का। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ही है जोशी साहब। जोशी जी, सवाल इस बात को लेकर कि क्या वाकई अखिलेश यादव के खिलाफ अब बगावती सुर निकल के सामने आ रहे हैं, क्या नेतृत्व क्षमता वाकई कमजोर है क्या अखिलेश यादव की, क्या यही वजह है या फिर हार जो लगातार मिल रही है ये एक मुख्य वजह है? देखिए, हार के बाद चिंतन भी हुआ, मनन भी हुआ और आपके बताओ और हार भी किस तरह की उसका भी विश्लेषण करना जरूरी था। और विश्लेषण जब हम करते हैं ईमानदारी से तो हम पाते हैं माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में हमारी 2.5 गुना सीटें बढ़ गई, 1.5 गुना वोट परसेंटेज बढ़ गया
और पहली बार उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में टू पोल पॉलिटिक्स हो गया। अगर एक पोल उसका बीजेपी है तो दूसरा सपा है, ये इससे पहले कभी नहीं था, बहुत सारे थे राजनीतिक दल थे। आज सभी दलों की स्थिति यह है, या तो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाए या सपा के साथ जाए। तो ये लीडरशिप की क्वालिटी है, डायनेमिक लीडर जो हमारे माननीय अखिलेश यादव जी हैं और सबको साथ लेके चलते हैं, सबका सम्मान करते हैं। और हमारी एक जो पार्टी है वो समाजवादी आंदोलन से आत्ममंथन करने की जरूरत नहीं है क्या समाजवादी पार्टी को, क्योंकि आपके ही जो पार्टी के नेता है वो लिख रहे हैं कि जनतंत्र में जय और पराजय उतने महत्वपूर्ण नहीं जितने उसे उसके लिए जो लिए गए संदेश हो सकते हैं। ये जो तमाम जो नेता फेसबुक का अब सहारा ले रही हैं या फिर लिख रही हैं कि जब निर्दलीय प्रत्याशी एमएलसी चुनाव में जीत हासिल कर सकते हैं तो मुख्य विपक्षी पार्टी आखिर क्यों नहीं कर पाती है, तो वहां पर आत्ममंथन की जरूरत नहीं है क्या? क्या आपको नहीं लगता अगर विनोद चंद दुबे लिखते हैं या कहते हैं कि लगातार हो रही हार निश्चित तौर पर पार्टी हाईकमान के लिए आत्मचिंतन का विषय है, तो इस पर सोचने की जरूरत नहीं है क्या? क्यों आखिर जो नेता है समाजवादी पार्टी के अब ये मुखर होकर इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि देखिए नेतृत्व क्षमता अखिलेश यादव में उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए योगी से मुकाबला करने के लिए। निहाल, आत्मचिंतन और मंथन ना होता आपके चैनल में, अन्य चैनलों में क्या वो सूची आ पाती जो लोग पार्टी के खिलाफ काम करे उन लोगों को हटाने की सूची कई चैनलों ने दिखाई है? तो ये आत्मचिंतन और मंथन करके तो पता चलता है कौन पार्टी के पक्ष में काम कर रहा है, कौन पार्टी के विपक्ष में कर रहे हैं। और माननीय अखिलेश, फायदा क्या हुआ एमएलसी चुनाव में, तो खाता भी नहीं खोल पाए। नेहा जी, शायद उसके बाद आपकी बहस में मुझे आने का मौका नहीं मिला। एमएलसी चुनाव पर हमने बहस करी थी। एमएलसी में चुनाव में हारने के दो मिनट में एक कारण बता देता हूं मैं आपको। एमएलसी चुनाव में हम भारतीय जनता पार्टी से ही नहीं लड़ रहे थे, हम भारतीय जनता पार्टी के पोषित गुंडों से लड़ा हमने चुनाव, भारतीय जनता पार्टी के शासन प्रशासन से लड़ा हमने चुनाव। और हमारे साथ ट्रीटमेंट ऐसा था, ये जो घर का भेदी लंका ढाए इनसे कैसे लड़ेंगे? ये जो अब खुल के बगावत कर रहे हैं, जो खिलाफत कर रहे हैं, मुखालफत कर रहे हैं, कह रहे हैं कि नेतृत्व क्षमता नहीं है अखिलेश यादव में, इसका भी जवाब है नेहा जी? एक सेकंड में पूरी बात करने दीजिए। नेहा जी मैं बताता हूँ, मैंने तीन कारण आपको बताए और मैं आपको बताता हूँ। बनारस में सबसे बड़ी पार्टी, विश्व की पार्टी कहते हैं आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी वाले, हमारी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, और वो जो भारत के हमारे प्रधानमंत्री है उनको भारत का नेता नहीं मानते, भारतीय जनता पार्टी वैश्विक नेता, उनके गढ़ में भारतीय जनता पार्टी हार गई, तीसरे नंबर पे आई। और एक जाति विशेष के व्यक्ति वहां चुनाव जीत जाते हैं, इनकी जमानत जब्त हो जाती है, उनका जो कैंडिडेट है डॉक्टर पटेल, वो मेरे साथ एक चैनल में थे, वो ये कह रहे थे माफिया ने मुझे दूसरे के घर में क्या हो रहा है, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि समाजवादी पार्टी के लिए, बजाय ये देखने के कि आपकी ही पार्टी के नेता आपके ही ऊपर आपके ही खिलाफ सवाल उठा रहे हैं, उस पर सोचने के बजाय आप ये बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में जी क्या हो रहा है। नेहा जी, इसमें ही छुपा हुआ जवाब, नेहा जी छुपा हुआ जवाब, इसलिए इसका मैंने उदाहरण दिया है। वो चैनल में मेरे पास साथ थे डॉक्टर पटेल, उन्होंने चैनल में बोला कि मुझे एक जेल से माफिया ने चुनाव हरा दिया। मैं पूछना चाहता हूं, मुझे भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ कोई जेल से कोई, मतलब सारे जो नेता जेल में है और बिल्कुल ऐसा शासन है कि कोई मक्खी भी पर नहीं मार सकती। और मैं पूछना चाहता हूँ, ठीक है सर, ये बिखराव की वजह आप बता ही नहीं पा रहे हैं ना, आप मैं आपसे सवाल जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब नहीं दे रहे। मैं कह रही हूँ ये बिखराव की वजह क्या है, क्यों आखिर ये स्थिति आ गई कि लोग ये कह रहे हैं कि अभी मुलायम सिंह यादव वाली सपा नहीं है, क्यों आखिर ये स्थिति आ गई कि नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठा रहे हैं, क्यों आखिर ये स्थिति आ गई कि अब एकजुटता वो परिवार में दिखाई नहीं दे रही है जो कि मुलायम सिंह यादव के वक्त थी? अब इसका जवाब सुन लीजिए आप। इसका जवाब नेहा जी ये है, हमारी जो पार्टी है वो कैडर से निकली हुई पार्टी है, हमें कोई भी बात अपनी कहनी होती है हम कैडर में कहते हैं, अनुशासन हमारी पार्टी का मुख्य अंग है। कोई बाहर कोई व्यक्ति कोई बात कहते हैं उसके जवाब देने के लिए मैं इस तरह की बातों का जवाब नहीं देता, पार्टी का कैडर है। और माननीय अखिलेश यादव जी, हम जब साधारण कार्यकर्ता, हम तो बहुत छोटे कार्यकर्ता है, हमारी बात सुनते हैं, हमें सम्मान देने का काम करते हैं, ये अगर काम कहीं है तो केवल समाजवादी पार्टी में है। ठीक है, खेरा साहब, ये बिखराव की वजह क्या समझते हैं आप समाजवादी पार्टी में बिखराव की? एक सेकंड सर, मेरे पास और भी मेहमान है, फिर मैं आऊंगी आपका, रुक करूंगी। समाजवादी पार्टी में बिखराव की मुख्य वजह क्या समझते हैं आप, और क्या आपको वाकई लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में खासतौर पर इसका फायदा आप लोग भी उठा रहे हैं, मौके पे चौका मार रहे हैं? उनका फायदा तो हम नहीं उठा रहे हैं,
वो तो प्राकृतिक है, कुदरती है। अपर्णा यादव को मौके पर सर अपनी पार्टी में ले लिया, शिवपाल यादव पर डोरे डाले जा रहे हैं, या फिर यूं कहें कि वो खुद आपकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं, जो भी वजह है सर, लेकिन आप झटके पे झटके तो दे रहे हैं समाजवादी पार्टी को। आप ये बताइए, अगर बेइज्जती ये करें अपने चाचा की तो दुष्संपर्क क्यों, हमने कहां डोरे डाले, इन्होंने उन्हें उन्हें बदतमीजी की है। अगर इसी हिसाब से जिस हिसाब से इन्होंने इनके साथ व्यवहार किया और आज इतनी देर से रिस्पॉन्स किया शिवपाल जी ने, शिवपाल जी के साथ तो बहुत पहले भी बेइज्जती की गई है पर इन्होंने बहुत देर से रिस्पॉन्स किया है, अगर यही हाल रहा तो कहीं एक दिन मुलायम सिंह जी भी वहां से चल न दें। अब तो मुझे ये लग रहा है पार्टी छोड़ के अकेली पार्टी अखिलेश की रह जाएगी, क्योंकि अखिलेश जिस तरह से दादागिरी करते हैं, डिक्टेटरशिप करते हैं, उस हिसाब से वहाँ कौन रह पाएगा। एक रामगोपाल जो है वो ये दो लोग छोड़ के एक एक करके सब किए उनसे चले जा रहे हैं, और अपर्णा जी चली गई तो हम क्या कर सकते, आपने उनको उचित जगह नहीं दी। अगर आप शिवपाल जी को दो तीन बार उन्होंने बेइज्जती बर्दाश्त करी, एक दो बार अपने बड़े भाई का कहना मान लिया उन्होंने, वो बैठे रहे, अब आपने उनको साइकिल से चुनाव भी ला दिया और उसके बाद आप सपा की मीटिंग में नहीं बुला रहे उनको, तो इसमें हमेशा दोष दे रहे हैं, वो अपने घर वापिस चले गए। लेकिन चूंकि वो एक मजबूत नेता है, जनाधार है उनके पास, उन्होंने समाजवादी पार्टी खड़ा करने में अपना जीवन पूरा बिताया है, तो उनके एक के बाद एक तमाम परिवार के सदस्यों को भारतीय जनता पार्टी अपने खेमे में लेके आ रही है, अपनी पार्टी में लेके आ रही है। इससे पहले उनकी बहू ले आई, अब चाचा जी को लेके आ रही है, लेकिन एक मुलायम सिंह जी भी आएंगे शायद, लगता है मुलायम सिंह भी आ रहे हैं। अगर ये हाल रहा इनका इस तरह बदतमीजी से करेंगे अपने चाचा से, बाप से, पिता से, तो कुछ क्या होगा, यही होगा ना, लोग छोड़ देंगे ना धीरे धीरे। अरे आपका व्यवहार ठीक होना चाहिए। ठीक है, मैं अल्पना जी का रुख करूँ, उससे पहले जोशी जी, मुलायम सिंह यादव भी आ रहे हैं कह रहे हैं। देखिए, मैं आपसे पहले समझता था हमारे आदरणीय प्रवक्ता जी जैसा इनका उम्र का अनुभव दिखता है, एक बहुत गंभीर नेता होंगे, लेकिन आज के बाद मेरी इनके बारे में थोड़ी राय थोड़ी बदल गई है। मैं देखिए मेरी बात सुनिए, अखिलेश यादव जी, मैं प्रवक्ता की हैसियत से नहीं, एक व्यक्तिगत बोल रहा हूँ, इतना सम्मान हम जैसे लोगों को, साधारण लोगों को, जो एक सामान्य परिवार के लोग हैं, उनको इतना सम्मान देने का काम करते हैं अखिलेश यादव जी, और इसके इनके भारतीय जनता पार्टी के बहुत विपक्षी साथी हमारे व्यक्तिगत मित्र हैं, और वो कहते हैं नेता हो तो आप जैसा, ये बात आचरण के बारे में अखिलेश यादव जी के कोई कहता है तो मुझे लगता है कि सूर्य को दीपक दिखा रहा है। और ये मैं जरूर कहूंगा, अनुशासित लोगों को पसंद करते हैं, अनुशासित होकर पार्टी प्लेटफॉर्म में बात रखिए, आपकी काम में बात भी सुनी जाएगी, इलेक्शन भी होता है, लेकिन पार्टी प्लेटफॉर्म से बाहर बात रखेंगे तो ये पार्टी के हित में भी नहीं है, प्रदेश के हित में भी नहीं है। स्थिति आ गई, अब ये कहा जा रहा है कि भाई मुलायम सिंह यादव भी आ रहे हैं। मैं आती हूँ खैरा साहब आपकी तरफ रुख करूंगा, लेकिन अल्पना जी का रुख कर लेते हैं। अल्पना जी, क्या वाकई शिवपाल यादव अब भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं क्या? देखिए नैनी, अभी ये कहना बड़ा मुश्किल है कि वो पार्टी में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, क्योंकि अभी ये कयास ही चल रहे हैं। अभी तक हम लोगों को ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं दिया गया है जिससे हम लोग ये कह सके कि वो शायद पार्टी की बीजेपी में जा रहे हैं। हाँ, ये जरूर है कि हमारे प्रिंटर संगठनों को उन्होंने भंग किया है और हम लोगों को संगठन को मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ने के लिए कहा गया है। निश्चित तौर पर हाल ही में उन्होंने कहा कि समान नागरिक संहिता की जरूरत है अब देश में। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, इस पर काफी दिनों से पार्टी के अंदर बातचीत चल रही थी और उन्होंने उसको बोला है, क्योंकि वो चाहते हैं कि जो भारतीय संविधान में लिखा गया है उसको पूरा किया जाए। और भारतीय संविधान में लिखा गया है नहीं, नागरिक संहिता की तो मांग की गई है ना, हमारे संविधान में भी है समान नागरिक संहिता होनी चाहिए। कहाँ, कौन से संविधान में सर है? अरे मैं नहीं गलत बोल रही हूँ, उसको देखिए आप, किसी अनुच्छेद में वो दिया हुआ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, उसमें ये भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में है मैम, और ये एजेंडा शिवपाल यादव को बहुत पसंद आ रहा है। सवाल ये है कि आखिर ये भारतीय जनता पार्टी के लिए कैसे प्रेम उजागर हो गया शिवपाल के जरिए? लोहिया जी का भी मानना था कि समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए, और चूंकि हमारी पार्टी लोहिया जी का अनुसरण करती है, हमारे यहाँ बैठकों में, हमारे आगे कई कार्यक्रमों में इस चीज को हमेशा रखा जाता है कि लोहिया जी का जो सपना था उसे भी पूरा होना चाहिए। ठीक है, लोहिया जी के सपने के साथ के समाजवादी पार्टी नहीं है, तो आप नहीं मानते क्या लोहिया जी के संदेशों को, उनके आदर्शों को? आपको नहीं लगता कि समान नागरिक संहिता होनी चाहिए देश में? नेहा जी, पहले तो मैं आपको बधाई दूंगा, हमारी आदरणीय बहन जी वाजपेयी जी का आपने जो भूल सुधार कर दिया, क्योंकि मैं कानून का विद्यार्थी हूँ और कॉपी चेक करने की हमारी थोड़ी पुरानी बीमारी है,
तो बहुत धन्यवाद आपका, और क्योंकि संविधान में कहीं इस बात का उल्लेख नहीं है। हाँ, ये भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा जरूर है। हम हमारे समाजवादी पार्टी का साफ स्टैंड है कि देश जो चलेगा, राज्य जो चलेगा, वो केवल संविधान से चलेगा, कानून से चलेगा। हम लोग केवल संविधान, कानून और लोकतंत्र को मानने वाले लोग हैं। बाकी ये किसी के व्यक्तिगत विचार है, व्यक्तिगत एजेंडा है, तो हम इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देना चाहते। ठीक है, लेकिन अब ये तो बता दीजिए, अब शिवपाल यादव अगर उनका प्रेम उजागर हो रहा है या भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा उन्हें ज्यादा पसंद आ रहा है, तो क्या ये एक झटका नहीं होगा अगर वो भारतीय जनता पार्टी चले जाते हैं समाजवादी पार्टी के लिए? आप लोग तो कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी वाले कह रहे हैं कि आप लोग तो अनादर करते हैं उनका, मीटिंग में नहीं बुलाते हैं उनको। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ, माननीय शिवपाल जी बसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और उनका जो स्टैंड है या तो वो बता सकते हैं या उनकी जो नेताएं हैं ये बता सकती है, ये उनके बारे में कोई प्रतिक्रिया अगर जाते हैं तो ये भारतीय ये समाजवादी पार्टी के लिए कितना बड़ा झटका है, ये ना सिर्फ राजनीतिक तौर पर, पारिवारिक तौर पर भी मैं मानती हूँ। देखिए, मैं एक बात मानता हूँ नेहा जी, हमारा मानना है कि शिवपाल जी कहीं नहीं जा रहे, ये केवल भारतीय जनता पार्टी और कुछ मीडिया लोगों ने चला रखा है, और इसे चलाने दीजिए, जब तक कोई घटना नहीं होती। हम लोग बिल्कुल जमीन के लोग हैं, और हम लोग जब तक कोई कार्य नहीं होता, पूरा कंप्लीट नहीं होता, जब तक स्टैंड नहीं आता, उनका कोई प्रतिक्रिया नहीं करते। हम तो इसको केवल मीडिया के द्वारा और ये भारतीय जनता पार्टी ने एक सुर्खियां बना रखी है इस तरह की बातें करके। हम इस तरह के, हम लोग जमीन की राजनीति करते हैं, हम लोग हवाबाजी की राजनीति नहीं करते। लगातार हार से क्या सपा में बिखराव है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पे इसलिए उठ जाता है क्योंकि लगातार हार समाजवादी पार्टी को मिल रही है, पहले विधानसभा चुनाव में और फिर विधान परिषद चुनाव में भी। लेकिन सवाल इस बात को लेकर भी है कि एक परिवार को एकजुट नहीं रख पा रहे हैं अखिलेश यादव, विजय खेड़ा साहब, क्योंकि उनकी भी कहीं ना कहीं जब अध्यक्ष बनाया गया था तो जाहिर तौर पर तमाम और नेताओं में भी अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं थी, जिसको लेकर ये नाराजगी भी निकल के सामने आई थी। शिवपाल ने अलग रास्ता अख्तियार कर लिया था, लेकिन अब क्या वाकई आपको लगता है कि उनके नेतृत्व को जो नेता है वो स्वीकार नहीं कर रहे हैं और परिवार को भी एकजुट रखने में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं? आजम खान के जो समर्थक है उनमें भी नाराजगी देखी जा रही है, ना सिर्फ शिवपाल। तो क्या आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी वाकई अब बिखराव की ओर जा रही है, या फिर अगर आजम खान अलग रास्ता अख्तियार कर लेते हैं, शिवपाल यादव अलग चले जाते हैं, तो समाजवादी पार्टी में एक तगड़ी टूट होगी? मैं आपसे एक निवेदन करूंगा, जब भी अगर इस तरह की बहस अब आए समाजवादी पार्टी की, इस तरह की कोई बात, तो एक बार वो वीडियो आप जरूर दिखा दीजिएगा जिस पर चाचा को धक्का मार के मुलायम सिंह जी से माइक छुड़ाया था इन्होंने, ताकि इनको अपनी संस्कृति का तो पता लगे। हो सकता संस्कृति जब तक मुलायम सिंह जी से पार्टी की अच्छी थी, अखिलेश के हाथ में आने के बाद इन्हें हर एक को बिल्कुल मट्टी करने की कोशिश की, अपने पिताजी का भी कद घटाया, चाचा का कद घटाया, चाचा ने तो उन्हें नेता मान लिया था, क्योंकि उनकी कैबिनेट में मंत्री बन गए थे, वो माने नेता मान लिया उन्होंने अखिलेश जी को। उसके बाद करा तो इन्होंने ही हरे ना, हर कब पीछे दुखी किया उनको, फिर हटाया, फिर उनको जाना पड़ा। उसके हेलो जी, जी 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 आपकी आवाज में पा रही है सर, रखिए अपनी बात। अच्छा हाँ, तो ये हुआ ये था, उसके बाद जब अभी आपने उनको लास्ट किया हुआ, वो फिर आ गए, साइकिल में आ भी गए, चुनाव भी लड़ लिया उन्होंने, अपनी पार्टी के कैडर को भी उसके साथ कर दिया उन्होंने। उसके बाद इन्होंने उनको फिर मीटिंग में नहीं बुलाया, तो बेचारे लखनऊ से इंतजार कर करके चले गए अपने गाँव, और उन्होंने कहा कि मैं इंतजार करके आया हूँ, मुझे बुलाया नहीं गया है। और जब वो लौट के आए, तब उनसे कहा कि अब आप आ सकते हैं एलाइड में। अगर उनको एलाइड में रखना था तो साइकिल से चुनाव क्यों लड़ाया था? अब वो एलाइड में तो नहीं रह सकते। दूसरी बात क्या हुआ, असेंबली में लौट के वापिस जब आ गए लोकसभा छोड़कर, उसके बाद उन्होंने चाचा को कोई एश्योरेंस नहीं दिया, उस लीडरशिप के बाद उनको सड़क पे कर दिया, पार्टी में बुलाया नहीं तो सड़क पे किया। उसके बाद इनकी पार्टी को टिकट नहीं दिए, जो अंडरस्टैंडिंग थी, कोई टिकट दिए नहीं उन्होंने, तो उस पर सड़क पर किया। और तीसरी बार जब असेंबली में आए तो उनको बुला के कहना चाहिए था, तो ये पार्टी में इंटरनल मैटर है, हमसे संबंधित नहीं है, पर जो पब्लिक में सामने डोमेन में आ रहा है वो तो बात चर्चा की होगी। ठीक है, ठीक है, शिवपाल जी ने स्टेप लिया, ठीक है। महत्वपूर्ण सवाल जोशी जी आपसे, क्या वाकई एक बैठक अभी मुलायम सिंह यादव के साथ अखिलेश यादव की हुई है, जिसके अंदर ये भी कहा गया है कि शिवपाल यादव को आप बात करिए उनसे और इस मैटर को कहीं ना कहीं सॉर्ट आउट करने की कोशिश करिए? क्या वाकई आपको लगता है कि एक परिवार भी में भी टूट होगी अगर बीजेपी का रुख कर लेते हैं शिवपाल यादव? देखिए, मैं कहना चाहता हूँ, माननीय मुलायम सिंह जी से मीटिंग
तो क्या मैं कहूंगा, वो लगातार मार्गदर्शन देते रहते हैं माननीय अखिलेश यादव जी को, हम जैसे समाजवादी पार्टी के सामान्य कार्यकर्ताओं को वो प्रेरणा दे रहे, उनके पास ऊर्जा का अपार भंडार है। दिक्कत है थोड़ा सा, प्लीज सर, लग रहा है आपसे विजय भाई, आपसे विजय उनसे मार्गदर्शन लेते रहते हैं, हमारे सीनियर हैं और हमारे पार्टी के एमपी भी हैं, हमारे मार्गदर्शक भी हैं, हमारे संरक्षक भी हैं, और उनसे जितना ज्ञान जितना उनका अनुभव है लिया जाता है। ये कह रहे हैं, अभी आपने खेरा साहब को नहीं सुना, वो कह रहे हैं कि माइक जब छीना गया था मुलायम सिंह यादव से, तब वो क्या उनके नहीं लगता था कि उनके जो बातचीत है या उनके जो एक्सपीरियंस रहा है उनसे सीखने की जरूरत है, या फिर क्या पिता का इस तरह से अपमान किया जा सकता है भर स्टेज पर, क्या तब नहीं लगा था, तब ये एहसास नहीं था? और क्या जनता उसे भूल सकती है क्या कि जो इंसान पिता का अपमान कर सकता है तो किसी का भी कर सकता है? आजम खान को जेल से नहीं निकाला जा रहा है या फिर कोशिश नहीं की जा रही इसके लिए, जो उनके समर्थक है उनमें भी नाराजगी है, तो कैसे एकजुटता की बात, ना परिवार में एकजुटता ना पार्टी में एकजुटता, तो नेतृत्व पे तो सवाल उठेंगे ही ना सर। नेहा जी, पहले तो आपको सम्मान की बात कहती हूँ, मैंने आपके चैनल में दो बार कह दिया कि हम जैसे साधारण कार्यकर्ता, वो तो उनके पिता है, उनके चाचा है, वो कितना सम्मान करते हैं ये सब जानते हैं, और हम तो साधारण कार्यकर्ता जो कि बिल्कुल सामान्य परिवारों से आते हैं, उनको भी इतना मान सम्मान माननीय अखिलेश यादव जी देते हैं। और अखिलेश यादव जी के जीने के तीन ही विजन है, मैं आज आपको बताना चाहता हूँ। नेशनल चैनल में जब भी उनसे बात होती है, अगर उनकी चिंता दिखाई देती है तो 25 करोड़ उत्तर प्रदेश की जनता की दिखाई देती है, समाजवादी आंदोलन की दिखाई देती है, और हमारे जैसे करोड़ों कार्यकर्ताओं की चिंता दिखाई देती है। तीन ही काम माननीय अखिलेश यादव जी करते हैं। बहुत शुक्रिया सर आप सभी का। मैम आपका भी शुक्रिया हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। जाहिर तौर पर समाजवादी पार्टी में जिस तरह से बिखराव दिखाई दे रहा है, ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि क्या वाकई अब एकजुट हो पाएगी समाजवादी पार्टी, क्योंकि अखिलेश यादव के नेतृत्व पर भी अब सवालिया निशान लगने लगे हैं। मुद्दा में फिलहाल इतना ही, नमस्कार।